जय हिंद दोस्तों, भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त विनी चौहान आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के फिर से हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाल ही के दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान हाई कमीशन की राजनयिक की बेटी के साथ जिस तरीके से उनका अपहरण किया गया, जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, बतौर भारतीय नागरिक मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। साथ ही साथ मैं अफगानिस्तान के लोगों को कहना चाहूंगा कि बतौर भारतीय नागरिक, हम सभी भारतीय आपका एक हमसाया मुल्क होने के नाते आपके हर दुख और हर तकलीफ में आपके साथ हैं। दोस्तों, जिस तरीके से अफगानिस्तान के राजनयिक की बेटी का अपहरण पाकिस्तान के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ, यह सोचने की बात है। क्योंकि जिस जगह पे दुनिया भर के देशों के हाई कमीशन हो, उस जगह से एक हाई कमिश्नर की बेटी को अगवा किया जाता है, उसको घायल किया जाता है, यह कोई लल्लू पंजू काम नहीं है। जो मतलब एक महंगा किडनैपर होगा ना, कि जो मतलब लाखों में फिरौती मांगने वाला होगा, यह उसके बूते की बात भी नहीं है। यह जो भी हुआ अफगानिस्तान के राजनयिक की बेटी के साथ, वह केवल और केवल पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी की मर्जी से हुआ। वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के राजनयिक या अफगानिस्तानी सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, परंतु ये प्रेशर उनके ऊपर बैकफायर हो गया। कैसे? इसके तीन सीधे सीधे जवाब मैं आपको देता हूं। पहला, इन्होंने सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान इनको आंख दिखाएगा। अफगानिस्तान ने इंस्टेंट बेसिस पे अपने हाई कमीशन को वापस बुलाया, पाकिस्तान में हाई कमीशन बंद कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी दुनिया के देशों के जो हाई कमीशन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको अपने हाई कमिश्नर के जो स्टाफ है, हाई कमिश्नर के जो अपना परिवार है और उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, यानी जो लोकल स्टाफ होता है, उनको लेकर के चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान के ऊपर हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही होता है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, पर इसका भी एक अलग तरह का नेगेटिव इफेक्ट आपको आने वाले 2-4 हफ्तों में दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, इन्होंने ये सोचा था कि हम पाकिस्तान में जो हाई कमीशन है अफगानिस्तान का, उसके परिवार को अगर हम प्रताड़ित करेंगे, उसको तंग करेंगे, तो तालिबान हमसे खुश हो जाएगा और तालिबान हमारी बात सुनने शुरू कर देगा। परंतु तालिबान ने एक चीज बहुत साबित कर दी कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। अरे, जो तालिबान अपने देश में अपने नियम कानून के हिसाब से अपनी बहू बेटियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को पर्दे के अंदर रखना चाहता है, जो नहीं चाहता कि गैर महरम इंसान या कोई मतलब अजनबी इंसान उनकी माताओं, बहनों, बेटियों को देखे, बहुओं को देखे, तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा तालिबान? आप खुद सोचिए कि एक अफगानिस्तानी बेटी के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ज़ाती हुई, वो उसको सह लेगा? तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने इस चीज की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। देखिए, हर देश के, हर परिवार के अपने कुछ आंतरिक प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो वैसी ही कुछ प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान की भी हैं। तालिबान और अफगान सरकार के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आज से नहीं, कई सालों से चलते आ रहे हैं। तो उसके क्या असर हैं, क्या वो होगा, कैसे होगा, वो उनका इंटरनल मैटर है।
परंतु अफगानिस्तान की बेटी के साथ जो हुआ उसमें तालिबान ने अफगानिस्तानी सरकार का समर्थन करके एक चीज तो साबित कर दी, खास करके विशेष करके पाकिस्तान को आंखें दिखा करके कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं ये मामला अफगानिस्तान की राजनयिक की बेटी का मामला FATF में भी उठाया जाएगा। भारतीय राजनयिकों को परेशान करना ये पाकिस्तानियों की एक पुरानी आदत है, परंतु इस बार जो उन्होंने किया यह इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी मिसाइल को छेड़ दिया है जिसका कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, जिसका नाम है तालिबान। अब ये पाकिस्तान के अंदर कहां जाकर के किधर जाकर के गिरेगी इसका कुछ नहीं पता। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हाई कमीशन सुरक्षित है? अरे जो तालिबान अफगान सरकार को डराने के लिए ईद के दिन राष्ट्रपति भवन के नजदीक रॉकेट छोड़ सकता है, उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान हाई कमिश्नर कौन सी बड़ी बात है? आने वाले दिनों में आपको यह भी एक साइड इफेक्ट दिखाई देगा। सो मैं पाकिस्तान की आवाम से एक चीज कहना चाहूंगा, कृपया आपके घर के अंदर जो हो रहा है उसको सुधारने की कोशिश करें, अपनी फेडरल गवर्नमेंट को ताकतवर बनाएं, ISI और आर्मी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, यह आपके भले के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय में तो आप नुकसान उठा ही रहे हैं, कहीं ये ना हो कि दुनिया के नक्शे से कभी एक पाकिस्तान नाम का देश था ऐसा इतिहास पढ़ाया जाए। आप पाकिस्तानी नागरिक हैं, आपने भारत से अलग होकर के अपने लिए एक अलग मुल्क बनाया, तो कृपया आपकी खुद की जिम्मेवारी बनती है वहां की सरकार किस तरीके से काम करेगी, वहां की संस्थाएं किस तरीके से काम करेगी, इसकी जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता की है। अपने हम साहे से वहां के रहने वाले सभी पाकिस्तानी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी आंखें खोलें, आपके देश की संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं ये आप सुनिश्चित करें, ना कि कोई डिक्टेटर कोई तानाशाह। भारत के अंदर हमारे देश की सरकारें कैसे चलेंगी, हमारे देश की पॉलिसीज क्या होंगी, हमारे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरीके से काम करेगी, किसके साथ हमारे को दुश्मनी रखनी है, किसके साथ हमारे को मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हैं और किसके साथ हमारे को भाइयों वाले संबंध रखने हैं, किसके साथ हमारे को रोटी बेटी का संबंध रखना है, ये बतौर भारतीय नागरिक हम तय करते हैं। हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी गवर्नमेंट को, बिकॉज अगर हमारे को कुछ चीजें पसंद नहीं आती हम उस गवर्नमेंट को बाहर कर देते हैं। और ये जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है ये आप लोग अच्छे से देखते आ रहे हैं, और इसी का कारण है कि बतौर भारतीय हम लोग तरक्की की राह पर हैं, बतौर एक मुल्क हम लोग तरक्की की राह पर हैं। तो मेरा अपने हमसाए से अपने पड़ोसी से एक निवेदन है, विशेषकर की वहां की आम जनता से, क्योंकि बतौर मैं भारतीय नागरिक बतौर आप पाकिस्तानी नागरिक ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है ना आपकी मेरे से कोई दुश्मनी है, क्योंकि मैं भी यहाँ रोटी कमाने वाला इंसान हूं मेहनत करके और आप भी वहां मेहनत करके रोटी कमाने वाले इंसान हैं। तो आपको इस चीज को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आप अपने देश को बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।